एक्स ग्रीटिंग्स इज अ कोरियन कंपनी बेस्ड इन सियोल कमिटेड टू सप्लाइंग द हाइएस्ट क्वालिटी स्टेशनरी ग्रीटिंग कार्ड्स गिफ्ट चिल्ड्रेन प्रोडक्ट्स विच आर सोर्स्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. कंपनी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट संडे पेपर कोरियन मेड इको फ्रेंडली स्टेशनरी डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन सियोल. एक्स होम्स करेंसी इज KRW. इट इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन द KRX फॉर लास्ट 20 ईयर्स एंड इट्स करंट शेयर प्राइज इज KRW 23.25. कह रहा है एक्स ग्रीटिंग्स नाम करके एक कोरियन कंपनी है जो कि उसकी राजधानी सियोल में लिमिटेड है. ये क्या करते हैं, स्टेशनरी ग्रीटिंग्स कार्ड गिफ्ट मतलब हाई क्वालिटी की चीज़ें जो है सप्लाई करते हैं. और एक्स की जो होम एक्स ग्रेटिंग्स की जो होम करेंसी है वो है KRW और इनकी और ये शेयर मार्केट में भी वहाँ की कोरिया की जो भी शेयर मार्केट होगी वहाँ पे लिस्टेड है और अभी उनकी प्राइस चल रही है शेयर मार्केट में 23.25 KRW. फिर यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द एक्स ग्रीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स. ये सब बेकार की चीज़ें किसी काम की नहीं है. सीधा फाइनेंशियल डाटा पे आते हैं. तो ये 2017-18 का डाटा है, ये 2018-19 का डाटा है. इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट आफ्टर इंटेक्स एंड टैक्स यानी ऑलरेडी टैक्स और इंटरेस्ट काट करके जो प्रॉफिट होता है ये वो वाला प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है. फिर कितना इंटरेस्ट काटा है वो भी दे रखा है 15.6 और इधर 8. यार देखो इंटरेस्ट देखो सीधा दुगना हो गया लगभग इंटरेस्ट है ना. 17-18 में 8 था, 18-19 में 15.6 हो गया. इधर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है दोनों साल का. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है. डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है. डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें डेट का कितना प्रपोर्शन है और इक्विटी का कितना प्रपोर्शन है. तो अभी कितना है, अभी 60% जो है वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का इक्विटी है और 40% डेट है. 17-18 में भी वही है, 18-19 में भी वही है. फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, इधर इक्विटी का दे रखा है और डेट का दे रखा है. देखो इक्विटी का दे रखा है ये ठीक है और डेट का दे रखा है. जो डेट का दे रखा है ये प्री टैक्स रेट है और हमें डेट हमें जब हम EVA कैलकुलेट करते हैं तो हमें डेट का कौन सा चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें चाहिए होता है पोस्ट टैक्स. ठीक है, यानी ये क्या है, ये सिर्फ KD है. हमें क्या चाहिए, KD1-TA ये चाहिए हमें, हमें ये नहीं चाहिए. तो KD में से हम क्या करेंगे, 1- टैक्स रेट हम जो है वो कर देंगे तो हमारा जो है पोस्ट टैक्स आ जाएगा. फिर हम इसको यूज़ करेंगे अपने EBA में. टैक्स रेट भी देगा 30%, यानी यहाँ पे हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 30% जो है माइनस करना पड़ेगा. फिर स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है. तो स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन में एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं. 17-18 में कितने थे, 18-19 में कितने, दोनों साल में सेम ही है, 3.2 मिलियन है. स्टॉक मार्केट शेयर इंडेक्स दे रखा है, रिटेलिंग सेक्टर इंडेक्स दे रखा है और एक्स ग्रेटिंग से शेयर मार्केट में प्राइस दे रखी है 17-18 और 18-19 की. 17-18 में 24.4 था और 18-19 में घट करके 22.5 हो गया. रिक्वायर्ड असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ग्रेटिंग्स यूजिंग EAV. मतलब हमें जो एक्स ग्रेटिंग है उसकी परफॉर्मेंस को असेस करना है. किसका यूज़ करके, EAV का यूज़ करके. एनालाइज द रिजल्ट रिलेटिव टू दोज ऑफ अर्निंग्स पर शेयर एंड शेयर प्राइस. और हमें क्या करना है, हमें EAV से तो हमने एनालाइज कर ही लिया परफॉर्मेंस, अब हमें इसकी EPS देख करके इस चीज़ को और एनालाइज करना है. एजम्पशंस इफ एनी शुड बी क्लियरली स्टेटेड. कि और अगर आपने कोई एजम्पशन लिया तो कृपया उसे साफ साफ बता दें कि आपने इस क्वेश्चन में ये एजम्पशन लिया है. तो सबसे पहले हम EVA निकालते हैं. EVA क्या होता है, NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, यानी चार्ज ऑन कैपिटल कितना हुआ. NOPAT क्या होता है, NOPAT होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, OPAT ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फिर इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स. तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दे रखा है दोनों साल का. ठीक है, तो हमने लिख दिया. फिर हम इसमें प्लस क्या करेंगे, नेट ऑफ टैक्स प्लस कर देंगे. तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स हमें प्लस करना है, लेकिन हमें इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स नहीं दे रखा है. तो हम इसमें से अगर इंटरेस्ट में से टैक्स रेट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा. तो यानी 15.6 में से हमें क्या माइनस करना है, 13%. 8% में से क्या माइनस करना है, 30%, क्योंकि टैक्स रेट क्या है इधर 30% की है.
तो हमने 30% माइनस कर दिया, 15.6 में से अगर हम 30% माइनस करते तो हमारा कितना आंसर आता है 10.92, और 8 में से जब हम 30% माइनस करते तो हमारा आंसर आता है 5.6। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका नो पैट आ गया, नो पैट इन दोनों को प्लस कर दिया, अब हमारे पास नो पैट आ गया, यानी यहाँ वाली फिगर आ गई। ठीक है, अब हम कॉस्ट सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, यहाँ पे दे रखा है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग नहीं लेते हैं हम, हमेशा ओपनिंग लेते हैं। तो देखो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है दोनों सालों का, तो हमने दोनों साल का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया 273.58 और 198.4। अब हमें क्या करना है, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कि प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस प्रोपोर्शन ऑफ डेट इनटू टोटल डेट इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, इधर 1-t होता है, ये पोस्ट टैक्स होता है कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे। तो कितना प्रोपोर्शन है इक्विटी का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो देखो यहाँ पे हमें डेट इक्विटी रेशियो भी दे रखी है, तो इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है यहाँ पे दोनों साल में, 60% का इक्विटी का प्रोपोर्शन है और डेट का कितना 40% का। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 60% और डेट का कितना, सॉरी 60% यहाँ पे आएगा, डेट का इधर 40% है, 40% कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है यहाँ पे 14.2 और 11.5, तो इधर आएगा 14.2 इस साल का और पिछले साल का 11.5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वाली फिगर यहाँ पे दे रखी है, 60% है इक्विटी, 60% इक्विटी और 40% का डेट है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ से हमने इंटू कर दिया। अब हम इंटू करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, तो कॉस्ट ऑफ डेट हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेट हमें दे रखा है 8 और 6, बट ये प्री टैक्स रेट है, तो हमें चाहिए पोस्ट टैक्स। तो पोस्ट टैक्स करने के लिए 1-tax इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, तो 8 में से 30% टैक्स माइनस कर दो, 6 में से 30% टैक्स माइनस कर दो, तो कितना आता है 5.6 और 4.2। तो 8 में से हमने 30% टैक्स माइनस किया तो 5.6 आया, और जब हमने 6 में से 30% टैक्स माइनस किया तो 4.2 आ गया। तो हमने जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है उसको इंटू कर दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और डेट का प्रोपोर्शन है उसको हमने इंटू कर दिया कॉस्ट ऑफ डेट से, वो पोस्ट टैक्स वाला कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा 10.76। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 8.58। यानी देखो हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये तीनों के तीनों पता चल गए। नो पैट ये रहा, देखो ये रहा, ये नो पैट आ गया, डब्ल्यू एस सी सी अभी हमने निकाल ही लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा हमारा। अभी इसको पूरे फॉर्मूले में डाल दो इन तीनों को, तो हम अपने दो साल का हमारा ई वी निकल जाएगा, 18-19 का निकल जाएगा 37.03 और 17-18 का निकल जाएगा 53.96 हमारा निकल जाएगा। ये नो पैट है, नो पैट, और ये डब्ल्यू ए सी सी इंटू सी ई है ना, देखो माइनस कर दिया ना, माइनस है ये, तो इसे माइनस कर रखा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस कर रखा, तो ई वी ए निकल गया। देखो ई वी ए देखिए हमारा कम हो गया है, अब कितना कम हुआ है, कितना परसेंटेज से डिक्लाइन किया, बस हमें वो निकाल देना है यहाँ पे, जो कि अभी क्वेश्चन में निकाला नहीं है बट हमें निकालना है। फिर हमसे एक बार ई पी एस निकालने के लिए कहता है, तो ई पी एस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ शेयर से। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास दे ही रखा है दोनों साल का, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स ये क्या है, ये भी मिलियन में है, नंबर ऑफ शेयर भी हमारे मिलियन में है, तो डिवाइड करने पे ईपीएस का जाएगा 70.36 20.43। तो देखो यहाँ पे भी ईपीएस हमारा कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी परसेंटेज डिक्लाइन दिखा देंगे कि परसेंटेज में कितना डिक्लाइन आ रहा है, और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में इन सब का भी डिक्लाइन दिखा रखा है कि इन सब में भी कितना डिक्लाइन आ रहा है। ये जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये स्टॉक मार्केट शेयर इंडेक्स रिटेल सेक्टर इंडेक्स और शेयर प्राइस है ना, इसमें भी कितना डिक्लाइन आ रहा है जब हम नेक्स्ट ईयर में गए हैं, तो वो चेंज भी यहाँ पे दिखा रखा है आंसर में। तो अगर ये भी दिखा देंगे तो भी बेहतर ही होगा हमारे लिए है ना। देखो 17-18 में इतना, 18-19 में इतना हो गया, तो कितना चेंज हुआ है।